Alright, so we're gonna do a lip scrub. As you can tell, it prevents hair fall, hair thinning. इसका काम क्या होता है? It helps to sculpt and tone your entire face. And this is really good when you're a little bit tanned. जो सूजन वगैरह जो फेस पे होती है वो कम हो जाती है उससे. और मुझे ऐसे लगता है कि स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है इससे. Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my channel. I really hope you guys are doing well. आज का वीडियो होने वाला है part 2 of testing Bollywood celebrities viral beauty hack. Part 1 को खूब सारा प्यार देने के लिए thank you so much. मैं तो बहुत खुश हो गई उस वीडियो के व्यूज देख के. So I had to create a part 2. और उसी वीडियो में मैंने आपसे पूछा भी था कि part 2 करें कि नहीं करें, और आप लोगों ने बोला कि हाँ हाँ चलो करते हैं. सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल बी टेस्टिंग एंड रेटिंग आल्सो ब्यूटी हैक्स बाय प्रियंका चोपड़ा, जानवी कपूर, माधुरी दीक्षित जी, दीपिका पाडुकोन. इन सबके ब्यूटी हैक्स हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि ये काम करते भी हैं या नहीं करते हैं. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. Today's day one of testing and trying celebrities beauty hack. We are joined by Leo. That's Leo right there. So pehla hack jo hum log try karne wale hain, this is by Priyanka Chopra Jonas, and this is a DIY lip scrub. Jiske liye hame lagenge 3 ingredients. You take a little sea salt. Depending on the size of your lips, you can decide how much to put. 100% pure vegetable glycerin, and then a little bit of rose water so it's gentle on your mouth. तो रोज वाटर मैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज करती हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी ये था. बट इस लिप स्क्रब को प्रिपेयर करने के लिए मुझे वेजिटेबल ग्लिसरीन और सी सॉल्ट अलग से खरीदना पड़ा. सो मेरे लिप्स ना ड्राई रहते और चैप्ड रहते हैं, दैट्स द नेचर ऑफ माय लिप्स. एंड आई डू हैव लाइक हाई होप्स फॉर दिस लिप स्क्रब कि ये काम करेगा. आपको पता मैं इतने जल्दी लिप बाम खत्म कर देती हूँ, ज्यादा लिप बाम अप्लाई करना पड़ता है मुझे, वो ड्राई रहते हैं. ओके, हियर इज आवर कंजक्शन. दिस एक्चुअली स्मेल्स अमेजिंग बिकॉज ऑफ द रोज वाटर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. उन्होंने बताया नहीं कि कितने मिनट तक उसे ऐसे स्क्रब करना है. सो आई एम गोना डू इट फॉर 1 मिनट. ओप्स, आई टेस्टेड सॉल्ट. ओह नो 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 नो. ओके, आई एम डन. आई एम गोना गो वॉश माय लिप्स. आई विल बी राइट बैक. ओके, आई एम बैक. आई एम गोना पैट ड्राई माय लिप्स विद माय टंग. सो हियर इज द बिफोर एंड आफ्टर. मैंने एक बार लिप स्क्रब को यूज किया. डेफिनेटली आई फील कि इस लिप स्क्रब ने मेरी लिप्स को प्लम किया है, एंड माई लिप्स आर फीलिंग सॉफ्ट, स्पेशली माई अपर लिप्स. बट कहीं कहीं भी अभी भी ड्राइनेस है और चैप्ड लिप्स है मेरे. आई मीन डेड स्किन सेल्स अभी भी विजिबल है, स्पेशली द लोअर लिप ऑफ माइन. और मैं वहीं पे ज्यादा फोकस भी कर रही थी इस DIY लिप स्क्रब को. आई मस्ट से दैट दिस लिप स्क्रब इज डेफिनेटली जेंटल ऑन द स्किन. आई वॉज पुटिंग लाइट प्रेशर ऑन माई लिप्स. बट आई डू वॉन्ट से दैट दिस लिप स्क्रब डिड नॉट वर्क फॉर मी लाइक 100%. अगर किसी को एकदम ही एक्सट्रीम केस ऑफ ड्राइनेस या चैप लिप्स की प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मे बी उनके लिए ये लिप स्क्रब काम करेगा. आई एम गोना रेट दिस लिप स्क्रब 5 out of 10 बिकॉज इट डज वर्क, बट नॉट लाइक 100%, स्पेशली फॉर माई टाइप्स ऑफ लिप्स. डेफिनेटली इसे सॉफ्ट तो किया है और प्लम भी किया है, उसकी वजह से मैं इसे 5 marks दे रही हूँ. एंड आई डू फील आई कैन गो फॉर सेकंड राउंड एज वेल, क्योंकि अभी भी मेरे पास लिप स्क्रब बचा हुआ है. बट आई विल नॉट डू दैट बिकॉज फिर वो ज्यादा एक्सफोलिएट हो जाएगा, फिर मेरी ना यहाँ पे लिप्स के आसपास जलन शुरू हो जाती है. अप्लाइंग सम लिप बम ऑन माई लिप्स क्योंकि ड्राई ड्राई लग रहे थे लिप्स, अभी काफी बेहतर लग रहा है मुझे. नाउ विल आई ट्राई दिस लिप स्क्रब अगेन इन फ्यूचर? प्रॉबली नॉट, क्योंकि बहुत सॉल्टी लग रहा था यार, एकदम उल्टी वाली फीलिंग आ रही थी मुझे. Today's day 2 of trying celebrities beauty hack. This is the morning time and just the right time to try the next beauty hack. This is by Deepika Padukone and this is for skin sculpting. So you guys know this already that in the morning I always get up with this like swollen puffy face. 3 ghante ho chuke already uthe hue. So puffiness na mere face se kafi had tak ja chuki, but my like cheeks are still puffy puffy and my eyes are like still swollen. So mujhe Deepika Padukone ki skin na kafi zyada achhi lagti hai. Also she is a very secretive person. Wo bahut hi rarely apne beauty tips, skin care, makeup ya hair hacks share karti hai. She herself admitted this that when it comes to makeup and hair, she leaves it to professional. But beauty tips, उन्होंने ना here and there hints दिए हैं, especially on Instagram. जैसे कि अगर उन्होंने कोई sheet mask use किया उसके बारे में post किया, अगर उन्होंने कोई skin sculpting massager use किया उसके बारे में boomerang post किया, और वही हम लोग use करने वाले हैं आज. उन्होंने कोई technique नहीं बताया, but I figure out the technique myself after purchasing tool itself. So the one that she was using was platinum one, and I have 24K gold one. तो उनका डिजाइन सेम है, पर्पस ही सेम है. इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स टू स्कल्प्ट एंड टोन योर एंटायर फेस. आप इसे चीक्स, डबल चिन, जॉ लाइन, आईब्रोज पे यूज कर सकते हो टू टोन एंड लिफ्ट अप योर चीक्स एंड आईब्रोज. आई एम सो एक्साइटेड टू यूज दिस, और मैं देखना चाहती हूँ कि एक यूसेज में कितना डिफरेंस मेरे स्किन में मैं नोटिस करती हूँ या आता है. तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ मसाजर लाइक दिस, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आपकी स्किन में कोई लुब्रिकेंट है. आप यूज कर सकते हो एलोवेरा जेल, फेस ऑयल, या मेरी तरह रोज वाटर.
मुझे पता है अति में ज्यादा लग रहा है बट इतना चाहिए रहेगा क्योंकि हमें इसे ग्लाइड करना रहता है अपने फेस में. सो इट्स अ बैटरी ऑपरेटेड फेस मसाज. आई एम गोना स्विच दिस ऑन. इट्स ऑन नाउ. ठीक है. एंड आई एम गोना यूज दिस यहाँ पे 10 बार चीक्स पे और जॉलाइन पे 10 बार. आई एम गोना रिपीट द सेम स्टेप इन हियर एज वेल. सो लेट्स गो. सो ये जो फेस मसाजर है ना ये मसल टेंशन को भी रिलीज करता है बाय गिविंग यू 6000 माइक्रो वाइब्रेशन अ मिनट. एंड दैट्स हाउ आई थिंक इट हेल्प्स लाइक स्कल्प्ट योर फेस एंड डीप अप योर फेस. यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्पेशली यहाँ कान के पास. ओके एक साइड इज डन. आई एम गोना स्प्रे सम मोर रोज वाटर एंड गोना रिपीट ऑन दिस साइड. We can use this on our nose and eyebrows to sculpt our nose. Oh my god. I don't know about sculpting guys but it is so relaxing though. Yahan pe. I'm gonna switch this off now. Alright, so I pat dried my skin and I do have some thoughts regarding this 3D face massager. First thing first, my entire face feels very relaxed. Ekdam de-stress lag raha hai mujhe. Aur jo puffiness mujhe halki halki se se feel bhi ho rahi thi na, jaise lagta hai ki yahan ki aapka sujan aa gaya hai gaalon mein, cheeks pe, that is also like gone completely. Here's the before and the after. Aap log mujhe batao comment section mein ki aapko mera face sculpt lag raha hai ki nahi. I mean, koi instant result aapko dikh रहा है कि नहीं. डिफरेंस मुझे लगता है कि इसे समझ में नहीं आएगा बट दिस इज द डिफरेंस दैट आई एम फीलिंग जो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर दिया है. विल आई बी यूजिंग दिस मसाजर अगेन ऑन माय फेस? डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक दिस इज हेल्पिंग टू लाइक डी स्ट्रेस एंड रिलीज मसल टेंशन ऑन माय स्किन. आई थिंक आई कैन ऑल्सो यूज दिस ऑन माय शोल्डर गाइस टू रिलीज मसल टेंशन क्योंकि यहाँ पे मुझे काफी पेन होता है. जस्ट बिकॉज आई फेल सो गुड आफ्टर यूजिंग दिस ऑन माई फेस आई बी गिविंग दिस 7 out of 10. This next beauty hack is a DIY face pack for glowing skin. This is by Janvi Kapoor. This is what I do as my skincare routine every time my skin is a little tired and I have a really important meeting and I don't really want to wear makeup but I still want them to think that I'm like glowing and fresh and happy when I'm dead inside. इसमें हमें लगेंगे 3 ingredients. Some yogurt with malai, some honey, some mashed banana. चलो किचन में से बनाते हैं. तो जानवी ने अपने हाथों का यूज करते हुए ये वाला मास्क अप्लाई किया था अपने फेस पे. सो दैट इज व्हाट आई एम गोना डू. सो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरे स्किन को ना दही सूट करता है, हनी भी करता है सूट, बट मैंने कभी इसे बनाना फेस पे लगाया नहीं है. और ये वाला फेस मास्क आपको एक चीज की याद दिला रहा है, हम लोगों ने ऐसा हेयर मास्क ट्राई किया था सेम इंग्रीडियंट के साथ और वो माधुरी दीक्षित जी का हैक था जो हम लोगों ने ट्राई किया था एंड दैट हैक रियली वर्क्ड. ओके मास्क काफी सारा बच गया मेरे पास अभी भी. यू नो मैं इसे आई थिंक 2 बार और यूज कर सकती हूँ बचा हुआ है मेरे पास. सो जानवी ने ये नहीं बताया कि हमें कितने समय तक इसको रखना है अपने फेस पे. शी जस्ट अप्लाइड दिस एंड देन शी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज अप्लाइंग हाफ अ ऑरेंज ऑन हर फेस. टेक एन ऑरेंज दैट्स कट इन हाफ एंड दिस इज रियली गुड व्हेन यू आर अ लिटिल बिट टैंड लाइक आई एम सिंस आई जस्ट कम बैक फ्रॉम द मॉल्डीव्स एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ some of the dead skin. So I don't have like major tanning on my face. It's just that I have like tanned forehead. Wo mera forehead bahut jaldi tan ho jata hai. So unhone bola ki just squeeze out some amount. और बीज भी निकाल देना उसका जो कि मैंने निकाल दिया है. उसके बाद यू नीड टू लाइक मसाज इट ऑन योर फेस. यू गाइज नो दिस ऑलरेडी आई एम सो अगेंस्ट फिजिकल स्क्रबिंग यू नो बट शी सेड कि बी जेंटल सो लेट्स डू दैट. आई एम गोना बी वेरी वेरी जेंटल. यू नो व्हाट लेट्स जस्ट स्क्वीज मोर अमाउंट. एकदम ही सॉफ्ट कर देते हैं इसको एंड जस्ट मसाज इट गाइज वेरी जेंटल. ओके आई एम डन मसाजिंग. आई मसाज माई फेस फॉर एटलीस्ट अ मिनट. आई एम गोना वॉश माई फेस इन द वॉशरूम. आई विल बी राइट बैक. I am back. I'm gonna just pat dry my skin. Now I don't really see or feel much of a difference on my skin, honestly speaking, guys. Like my forehead tan is still there because I used that orange to like scrub my face, gently exfoliate my face. My skin feels little bit irritated. I can feel the irritation in here. Mostly, yahan pe sensitive hai meri skin. Also, my skin is like dehydrated. I'm gonna rate this mask 4.5 out of 10. मैं बहुत generous हो रही हूँ अभी इस वक्त. अब मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे डी आई वाई फेस पैक काम करते हैं अगर यू आर यूजिंग गुड क्वालिटी एंड राइट काइंड ऑफ इंग्रीडियंट दैट वर्क्स फॉर योर स्किन टाइप. बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, यू कैन इनकॉर्पोरेट एक्टिव्स इन योर स्किन केयर रूटीन. फाइंड अ एक्टिव दैट कैन टारगेट योर स्किन कंसर्न. ये फेस पैक जैसे ग्लोइंग स्किन के लिए था. अगर आपको थ्रू आउट द डे ग्लोइंग स्किन चाहिए, यू कैन इनकॉर्पोरेट विटामिन सी सीरम इन योर स्किन केयर रूटीन. मैं खुद AM रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना पसंद करती हूँ. वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रीडियंट दिस is, and you guys know this already, that my skin is like extremely sensitive to vitamin C as well. So mujhe sare brand ke suit nahi karte, but there is one such brand that I have been using and loving,
and has been working well for my skin tone is Dr. Shade's Amla 20% Vitamin C Serum. Instantly, skin mein result dikhata hai. You know, my skin appears glowing and brighter. So this has 20% Vitamin C, 0.5% Phthalic Acid, 1% Vitamin E, 1% Sodium Hydronate, and 0.5% Amla Extract in it. So Vitamin C helps to fight free radical and the damages caused by it. Wo dullness, wrinkle, premature aging se prevent karta hai. And Sodium Hydronate is a stable form of Hyaluronic Acid. It keeps your skin hydrated and plump and replenishes the skin. This product has Amla Extract, which is a natural source of Vitamin C. It is a powerful antioxidant, as I said. It boosts the collagen production on your skin, guys. So overall, this is a very beautiful and good quality Vitamin C serum. You can use this once a day, and whenever you're using a Vitamin C, always follow up with SPF. Just look at that glow on my face. And this glow throughout the day stays in my skin. When I talk glowing skin, I trust Vitamin C quite a lot. And what a beautiful formulation, guys. Dr. Shades really nailed the formulation of this 20% Amla Vitamin C Serum. Its cost is ₹899. They also have 10% Amla Vitamin C Serum, which cost is ₹599. You can start with 10%. When your skin is used to, you can incorporate 20% Vitamin C in your skincare routine. Now, Janvi said that after using that face pack on her face, she likes to move on with sunscreen. Then I apply some sunscreen and I step out. And sunscreen's importance, not just Janvi, काफी डिफरेंट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बताया है. बी इट दीपिका, शी टॉक्ड अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन इज, वेदर इट्स इन फ्रंट ऑफ द लाइट्स और वेदर इट्स आउटडोर. आई थिंक using an SPF is really the most important part of my skincare routine. And you guys already know this, main kabhi bhi sunscreen skip nahi karti hu, aur main reapplication pe bhi kafi zyada dhyan deti hu. I do have a good quality brand recommendation for sunscreen. This is again by Dr. Shades. So for sunscreen, I'll be again using Dr. Shades Ceramide and Vitamin C sunscreen. This is one of the best quality sunscreen that I have tried on my skin, and this is their best seller as well. It not only aapki skin ko protection provide karta hai, but aapki skin ko moisturize aur hydrate bhi rakhta hai throughout the day, guys. This one has SPF 50 and PA triple plus in this. It protects your skin from UVA and UVB rays and damages caused by those rays. Honestly, maine aisa sunscreen nahi dekha jisme ceramide hota hai. This one has 1% ceramide complex, which helps to repair skin's barrier. This one also has 2% vitamin C complex and 1% hyaluronic acid in it. This is a mineral sunscreen with organic filters. It is great for acne prone and sensitive skin. It is super lightweight, easily blend ho jata hai, and there is absolutely no white cast is sunscreen se. Jabhi mujhe koi formula pasand aata hai, keep on talking about it and raving about it, and मैं वही वही use करती हूँ. इतना पसंद आया इसका formulation that I'm almost done with it. बहुत अच्छी बात मुझे sunscreen की ये लगती है कि it doesn't like melt away from your skin or doesn't heat up your skin. अच्छे से skin में absorb हो जाता है, you know. And because it has like 1% ceramide in it, which usually you will find in moisturizer, which keeps your skin hydrated and supple. So this sunscreen already has that. So you can skip your moisturizer if you're incorporating this sunscreen as a part of your skincare routine. If you're interested in Dr. Shades product, I do have a coupon code that is ShaliniM20. You can use my coupon code and you will get 20% off on your purchases. You can check out the description box for the links for this sunscreen and also the vitamin C that I mentioned from this brand. This next beauty hack is a DIY hair mask, and this is by Tamanna. इसे prepare करने के लिए हमें दो ingredient लगेंगे, that is onion juice and coconut oil. So this is the onion juice. I'm just taking like, yeah, this much should be enough. And I'm gonna put coconut oil in it. So this must be like some 3 tablespoons of coconut oil. Okay, this hair mask is ready. उन्होंने ना measurement नहीं बताया कि कितना onion juice लेना है. I think ये पूरे scalp में apply हो जाएगा. Good thing is that coconut oil की वजह से ना इसमें वो onion का smell नहीं आ रहा है. I cannot bear कच्चा onion का smell. So इस hair mask के तमन्ना ने benefits भी बताए हैं. It is actually an Ayurvedic way of battling hair fall. It prevents hair fall, hair thinning, and it also prevents graying of your hair. So this is the before condition of my hair. Not really bad actually. It's just that कि मेरे scalp बहुत oily रहते हैं, वो अभी भी oily है, and they are very very dirty. My hair currently is. So Tamanna ने बोला है कि cotton का use करते हुए लगाना है और scalp में लगाना है. So I don't suffer through hair fall, but hair thinning तो concern है मेरा. ow. Okay. She also mentioned कि premature graying को भी prevent करता है. अभी तो मेरे grey बाल आए नहीं है, तो prevention is better than cure. पीछे पीछे apply करने को बोला है, अच्छे से कर देते हैं. Alright,
एप्लीकेशन इज डन. सो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ 2018-2019 वाला ट्रेंड, जब अनियन जूस का ट्रेंड चल रहा था ना, लोग अपने बालों में अप्लाई कर रहे थे, वीडियोस पोस्ट कर रहे थे. एंड दिस द फर्स्ट टाइम आई एम अप्लाइंग अनियन जूस ऑन माई स्कैल्प, और मेरे फोरहेड पे ये मास्क गिर रहा है. एंड अनियन का हल्का सा पंजेंट स्मेल आई कैन स्मेल नाउ, पहले नहीं आ रहा था बट अब आ रहा है हल्का सा. सो आई एम गोना टाइम माय हेयर, कीप दिस फॉर 30 मिनट्स एंड देन वी कैन वॉश द हेयर. Guys, it's been 20 minutes and I swear I cannot bear the smell of onion. It is almost giving me headache. मुझे तो कच्चा अनियन खाना भी पसंद नहीं है. Alright, 30 minutes are done. मुझे लगता है कि हल्का गुनगुना पानी लगेगा मुझे to remove oil from my scalp. मैं जब भी oil use करती हूँ गुनगुना पानी use करना पसंद करती हूँ. Otherwise, oil का residue रह जाता है मेरे scalp में और वो और buildup create करता है. I'm gonna wash my hair, condition my hair and then I will see you guys. So this is me next day after completely air drying my hair and I'm filming this in natural light. इस hair mask के regarding में बस काफी कुछ है कहने के लिए. पहली चीज तो ये कि मुझे ना थोड़ा ज्यादा शैम्पू लगा इसको कम्प्लीटली अपने बालों से निकालने के लिए, तो दो वॉश में निकल गया था हेयर मास्क और उसका जो भी रेसिड्यू था, बट बदबू नहीं जा रही थी, अनियन का स्मेल आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा और शैम्पू यूज करना पड़ा. उसके बाद भी जब बाल पूरे सूख गए और जब वो सूख भी रहे थे ना, तभी भी आई कुड स्मेल अनियन एंड अनियन की स्मेल आई कैन नॉट बेयर. सो इट्स अ मी प्रॉब्लम गाइस. सेकंड थिंग, बिकॉज दिस हेयर मास्क इज फॉर प्रीमैच्योर ग्रेइंग, थिनिंग एंड हेयर फॉल, और मैंने इसे एक ही बार यूज किया, तो एक यूज में रिजल्ट डेफिनेटली नहीं दिखेगा और समझ में नहीं आएगा. आई हैव टू यूज दिस मल्टीपल टाइम्स टू मेक माई डिसीजन whether it is working for my hair or not. But फिर भी मैं एक बार यूज करने के बाद जो रिजल्ट मैंने महसूस किया वो डिस्कस आप लोग के साथ कर लेती हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बदबू तो आ रही थी. दूसरी चीज ये कि आई फील कि ना मेरे हेयर से वो शाइन मिसिंग है. आप लोग देख सकते हो कि नीचे नीचे से ना वो काफी ऐसे रफ दिख रहे हैं, और जब मैं कोई दूसरा हेयर मास्क यूज करती हूँ या फिर ऐसे शैम्पू कंडीशनर रेगुलर भी करती हूँ तो मेरे बाल में से शाइन रहती है, बट वो मिसिंग है. इफ आई वॉन्ट टू रेट दिस हेयर मास्क, आई डोंट वॉन्ट टू हेट इट कम्प्लीटली, बट आई डोंट वॉन्ट टू लाइक इट ऑल्सो. I'm going to give this 5 points out of 10. Here I am a couple of days later to try the next beauty hack, and this is by Madhuri Dixit ji. This is one of our favorite DIY face pack, और इसके लिए हमें लगेगा 3 ingredients. तो 1 tablespoon powdered oats, 1 tablespoon honey, अच्छे quality का honey लाइए, if you can get ऑर्गेनिक तो बहुत ही अच्छा है, और 1 टेबलस्पून रोज वाटर या 1 टेबलस्पून मिल्क डाल सकते हैं आप. इसको मिक्स कीजिए, फेस पे लगाइए, 15 मिनट रुकिए, 15 से 20 मिनट बस हो जाते हैं, और फिर वार्म वाटर से अपना फेस वॉश कर लीजिए. आई थिंक इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग फेस मास्क, और इसमें सब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं हनी में और ओट्स में, जो सूजन वगैरह जो फेस पे होती है वो कम हो जाती है उससे फुल, और मुझे ऐसे लगता है कि स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है इससे. सो द मास्क इज रेडी. सो हाथों का यूज करते हुए लेट्स अप्लाई दिस. सो ओट्स और हनी ना मेरे स्किन को सूट करता है, सो आई डू फील दिस इज गोना वर्क फॉर मी. और माधुरी जी ने बोला था कि इंग्रेडिएंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और कुछ भी मास्क नहीं बचा, सो दैट्स अ गुड थिंग. आई हैव टू कीप दिस फॉर 15-20 मिनट्स. दिस मास्क डजंट फील हैवी एट ऑल ऑन माई फेस, आई फील कंफर्टेबल इन दिस मास्क. सो आई एम गोना सी यू गाइस इन 15 मिनट्स. आई एम बैक, आई कीप दिस फॉर 15 मिनट्स, और माधुरी जी ने बोला था इसे वार्म वाटर से धोना है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट वॉशिंग दिस मास्क. आई वोंट बी स्क्रबिंग माई फेस, बस इसे जेंटली से रिमूव करती जाऊंगी. So I always do this technique of removing any kind of mask, whether it's a DIY or store-bought mask. I will just use that same water again and again. So I completely removed the face mask. It was very easy to remove. I'm going to go wash my entire face with clean water. I'll be right back. I am back after removing the residue of the mask. I'm going to pat dry my skin now. मैंने face wash का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया अपने face पे. So skin को अच्छे से pat dry कर दिया है मैंने, and I have some thoughts regarding this mask. First thing that I noticed instantly after removing the mask is that when I touch my face, ना my skin was feeling very soft to touch, और यही चीज माधुरी जी ने भी बोला था कि skin एकदम soft soft हो जाती है. Also my skin doesn't feel dehydrated at all, ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे instantly अभी moisturizer अपने face पे apply करना है. And here is the before and after for you. मुझे पता है कि skin पे कोई भी major difference नजर नहीं आ रहा होगा, जो जो मुझे feel हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया. I feel like this mask is more like a soothing and refreshing mask. If you're feeling like tired, your skin is feeling tired, you can use this kind of mask on your face. So I'm gonna rate this mask 8.5 out of 10. I will be definitely using this again. It's a pretty decent mask. Alright, so that was the last hack that I tried. And honestly speaking, आज का video was hit and miss. कुछ hack मुझे पसंद आए, कुछ पसंद नहीं आए, कुछ तो बहुत ही एकदम
ऐसी थे. हैविंग सेड दैट वी ऑल हैव लाइक डिफरेंट बॉडी स्किन एंड हेयर टाइप. सो हो सकता है कि जो हैक मुझ पे काम नहीं करे वो जरूरी नहीं है कि आप भी काम ना करें. यू नो आपको टेस्ट और ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा. सो हो सकता है इस वीडियो का पार्ट 3 बने, देखते हैं इन फ्यूचर. आप लोग मुझे बता दो पार्ट 3 देखना है कि नहीं इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद अ ब्रांड न्यू कॉन्टेंट एंड हट के कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल. बाय एवरीवन. ओह, जाने से पहले प्लीज लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. नाउ आई एम गोना गो नाउ. बाय, टेक केयर.